बड़ी खबर राजगढ़ जिले के खिलचीपुर से, जहां पर आज मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति खिलचीपुर द्वारा न्यायालय परिसर खिलचीपुर जिला राजगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम न्यायाधीश महोदय विकास चौहान, पुलिस अभिभाषक श्री अबरार शेख, राजेंद्र आचार्य, गोपाल दांगी, रामबाबू धाकड़, गोविंद परमार, अंकित प्रजापति, विशाल श्रीवास्तव, कमल वर्मा के अलावा शिक्षक वर्ग से पति पत्नी मनीष एवं वर्षा शर्मा, पुलिस विभाग से एएसआई मान सिंह, एएसआई भगवान सिंह जाट, बबलू सोनी, अनिल गुप्ता, लालिन आदि द्वारा रक्तदान किया गया। कुल 22 व्यक्तियों द्वारा रक्तदान कर पुनित कार्य में सहयोग किया गया। तो वही अभिभाषक संघ अध्यक्ष महेंद्र सिंह, एडवोकेट दिनेश पंचोली, महेश पिपलोटिया, मनोज शर्मा तथा सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप गुप्ता, नीतीश गुप्ता तथा पुलिस विभाग से निरीक्षक गोपाल मेघवाल, पैरा लीगल वॉलेंटियर पप्पू लाल, ललित शर्मा, शंभू सिंह का सक्रिय योगदान रहा। तो वही संघ अध्यक्ष महेंद्र सिंह एवं न्यायालय नाजिर कैलाश शर्मा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। खिलचीपुर से सुनील सोनी की रिपोर्ट। इधर आ जाओ सर। ये आयोजन जो न्यायालय परिसर में रखा गया है, इसके बारे में क्या कहना है सर? ये खिलचीपुर न्यायालय में माननीय जज साहब के माध्यम से रक्तदान शिविर रखा गया है और उनके द्वारा कोशिश प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक डोनर आकर रक्तदान करें। उसी क्रम में आज सभी लोग एकत्रित हुए। कितने लोगों का टारगेट है यहाँ का? अब टारगेट तो जितना अधिक से अधिक हो सके, अभी तक 15 लोगों ने कर दिया। टारगेट की इच्छा है कि 40-45 लोग हो जाए। जी सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।